Hello students, so welcome to the last part of this chapter, that is arithmetic progression. So as we are doing exercise 5.3, so in exercise 5.3 humko ek cheez dhyan rakhna hai, exam mein some related jo application problems hain wo nahi aayenge, right? To iska kya matlab hai, question 15 16 17 18 19 20 means 15 and above questions will not come in exam, ठीक है, क्योंकि application related some problems है, okay? So we'll see up to question number 14 only. So let's see question number 16. So here in question number six, क्या पूछ रही है? The first term and the last term of an AP are given, देखो, respectively, ना? So we can write given first term and the last term को दिया गया है. फर्स्ट टर्म इज 17 एंड लास्ट टर्म हम एल भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, ठीक है. इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो गिवेन. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, क्या पूछ रहा है, कितने टर्म्स अब वहां पे है, तो हमको एन पूछ रहा है. दे आर आस्किंग एन एंड देयर सम, दे आर आस्किंग एस एन ऑल्सो. सो वी नो डेट एन हमको दिया हुआ है, तो पहले हमको एन चाहिए ऐसे निकालने के, राइट? तो यहां से हम एन निकाल लेते हैं. एन इज इक्वल टू 350, इट मीन्स डेट ए प्लस एन माइनस वन डी इज 350. सो ए इज आवर 17 प्लस एन माइनस वन डी इज योर 9 इज इक्वल टू 350. Then n minus 1 9 is equal to 350 minus 17, you get 3, okay. Then n minus 1, फिर 9 इस तरफ चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 वन गेट 3 by 9. So इसको हम काट सकते हैं 3 से, चलो 3 to 9, 3 1 3 3 1 3 3 1 3, अगेन फ्रॉम 3 3 3 9 रिमेन 2 21 3 7 21. सो एन, सो वी गेट एन माइनस वन इक्वल टू 37. सो एन इज इक्वल टू 37 प्लस वन, दैट इज एन इज इक्वल टू 38. अब एस एन निकाल लेंगे हम फटाफट, तो we have 33 number of terms, so sum of, sorry, 38 terms, so we get sum of 38 terms. So SN ka formula kya hai, SN ka formula, SN we know that n by 2 2a plus n minus 1 t, aur hamare paas an to directly hai, hum wala formula use kar sakte hain na, SN equal to n by 2 a plus an, kyunki hamare paas an already hai, chaliye ye wala formula use karte hain. So n by 2, 38 by 2, a is our 17 plus an, an is 350. So as 38 is equal to 22 to 9 is 18, 17 plus 350 करो, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 7 6 3 60 7. सो 19 इंटू 367 हम करेंगे जब, 9 367 इंटू 19 जब करेंगे तो विल फाइंड आउट करो, सो विल गेट 6973. सो वी गेट एस 38 इक्वल टू 6973. नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 9 हियर. इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स एंड 7 terms of an AP is 49, okay, and that of 17 terms is 289, okay, it's given here. So find sum of first n terms. क्या क्या given है लिख लेते हैं. What is given here? Given is sum of 7 terms. 7 terms मतलब a 7 तुमको दी, sorry, sum of 7 terms 49. And that of 17 terms
17 टर्म्स दिया हुआ है 289, ठीक है। फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब जनरल फॉर्म में तुमको निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, एन निकालने के लिए नहीं बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो एस एन हमको निकाल के बताओ बोल रहा है, ठीक है, एक जनरल फॉर्म निकाल के बताने के लिए बोल रहा है। सो दिस टू थिंग्स आर गिवन, यहाँ से तुम एक इक्वेशन बना सकते हो। एस एन को हम तोड़ेंगे, वी नो डेट एस एन फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन टी। तो इस फॉर्मूला में तोड़ेंगे, फर्स्ट केस हो जाएगा एस एन हमारा 49 है, तो इस तरफ लिखते हैं, चलो ठीक है, एन बाई टू सेवन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन, मीन्स कितना हो जाएगा सेवन माइनस वन डी इज इक्वल टू 49, फर्स्ट केस। इसको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, तो सेवन और टू को इस तरफ भेज देंगे हम, तो टू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेवन नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा टू ए प्लस 60 इज इक्वल टू 49, टू इधर ऊपर चला जाएगा और सेवन यहाँ के नीचे, ये हो जाएगा सेवन सेवन जो 49, टू सेवन जो 14, टू दोनों तरफ से हम कॉमन ले लेंगे, सो विल गेट ए प्लस 3d, ये टू कॉमन निकाल लिया, टू इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए प्लस 3d 14 बाई टू, तो ए प्लस 3d इक्वल टू 2 × 14, ये हमारा इक्वेशन वन। सिमिलरली इसको भी हम तोड़ेंगे, एस 17 इज गिवन, एस 17 इज योर 289, तो ये क्या हो जाएगा n बाई टू दैट इज 17 बाई टू 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289, इस तरफ लेके आओ इंटू टू, टू ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे, तो 17 से इसको काटो, कोशिश करो 17 से काटने का। सो जहाँ तक ये मेरे को लग रहा है ये 17 जो एक बार चेक करो, तुमको एक बात मैं बता दूं कि जो स्क्वायर है तुमको 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है, 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तो 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, तुम चेक भी कर लो 289 होगा, ठीक है, तो इसको हम जब काटेंगे सो 17 जा, ठीक है, फिर 17 टू जाए, इसको वेट कर लो, यहाँ टू दोनों कैंसिल हो जाओगे, तो 17 इंटू टू, यहाँ पे 2a, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 प्लस 8d, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 टू बाई टू, टू नीचे आ गया, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, सो दिस इज आवर इक्वेशन टू। Solving 1 and 2 now. So solving 1 and 2. चलो elimination matrix solve करते हैं, a plus 3d equal to 7 और यहाँ पे हमारे पास a plus 8d equal to 17. So minus minus cancel. This is minus 5d. 7 minus 17 minus 10. ठीक है, तो ये डी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो डी का वैल्यू हो जाएगा 10 बाई 5 दैट इज 2, सो डी का वैल्यू मिला मुझे 2, तो यहाँ से हम पुट करके ए का वैल्यू निकाल लेंगे, सो देयर फोर ए प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, 1 में पुट किया हमने, तो ए प्लस 2 6, ए का वैल्यू कितना आया, वी गेट वैल्यू ऑफ ए 1 और डी का वैल्यू 2 आया, राइट। अब हमको जो बोला गया है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, तो एस एन हम
ऐसे निकालेंगे, ठीक है? कैसे? टू, सो टू लिख लिया। सो इसको हम सॉल्व करेंगे प्रॉपरली। अब एन बाई टू, टू वन टू, इसको ब्रैकेट ओपन करो, टू एन, टू वन टू। देखो ये एन टू माइनस टू ये क्या हो जाएगा, जीरो, बच गया एन बाई टू और अंदर में बच गया टू एन, ठीक है? अगेन टू टू क्या हो जाएगा, सॉल्व, सॉरी कैंसिल, सो एन 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 स्क्वायर। सो ऐसे एन का वैल्यू आया मेरे पास एन स्क्वायर। तो एक ये मेरा जनरल फॉर्मूला आया, ठीक है? अब तुम वैसे भी सिक्वेंस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो एस सेवन 49 था, तो ये देखो 7 का स्क्वायर, एस 17 जो था 289, 17 का स्क्वायर, ठीक है? और वैसे ही तुम्हारा एस एन कितना आया, एन स्क्वायर, ठीक है? ये जनरल फॉर्मूला आया। तो 24, 25 तक के स्क्वायर्स को याद रख लेना, ठीक है? इजी होगा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ओके, नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन, सो डेट ए वन ए टू ए थ्री जो आएगा फॉर्म एन ए पी, ठीक है? तो वेन ए एन इज डिफाइंड एज दिस, ए एन का एक जनरल फॉर्म हमको दिया हुआ है, ठीक है? तो इस जनरल फॉर्म को हम ए वन ए टू निकाल के हमको पता करना है कि ए पी में है कि नहीं, तो उसका डिफरेंस हम चेक करेंगे, है ना? तो यह एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो हम यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो एन का वैल्यू कुछ भी हम डाल सकते हैं, वन टू थ्री कुछ भी डाल सकते हैं। तो अगर मैं ए वन एन की जगह वन डालूंगी, यू विल गेट थ्री प्लस फोर इंटू वन, इसका मतलब थ्री प्लस फोर वन जो फोर, सो ए वन का वैल्यू मिल गया मेरे को सेवन। वैसे ए टू का वैल्यू निकालूंगी तो थ्री प्लस एन की जगह टू डाला मैंने, सो थ्री प्लस फोर टू जा एट, सो ए टू का वैल्यू मेरे पास हुआ एट, नाइनटीन, इलेवन, ठीक है? वैसे अगर ए थ्री निकालूंगे तो थ्री प्लस फोर इंटू थ्री, तो ये मेरे पास थ्री प्लस फोर टू जा ट्वेल्व, ये आया फिफ्टीन, ए थ्री आया फिफ्टीन मेरे पास, ठीक है? अब मेरे को चेक करना है कि ये सो डेट दिस फॉर्म एन ए पी। तो हमको याद है कि हम जब ए पी में चेक करते हैं तो वी चेक द डिफरेंस, राइट? ओहो, लेट्स चेक द डिफरेंस। ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू इलेवन माइनस सेवन, डेट इज योर फोर, ठीक है? ये पहला डिफरेंस जो आया वो फोर आया। और दूसरा डिफरेंस चेक कर लेते हैं, ए थ्री माइनस ए टू, दैट इज योर फिफ्टीन माइनस इलेवन, तो ये आया तुम्हारा पास फोर अगेन, है ना? सो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या है, सेम, सी, सो D is same, common difference is your same, therefore it is in AP. Also question में बोला है find the sum of 15 terms. अब जब ये AP है तो हम sum निकालेंगे 15 terms का. So as 15 हम निकालेंगे, we know the formula n by 2. n बाई टू फॉर्मूला लिख लेना, ऐसे हमारे पास है n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो n बाई टू, टू ए, ए हमारे पास था सेवन, प्लस n माइनस वन मीन्स फोर्टीन डी, वॉट इज योर डी, डी इज योर फोर, ठीक है? सो फिफ्टीन बाई टू, देन टू से फोर्टीन प्लस ये कितना हो जाएगा, फोर्टीन टू करो, देखो हम यहाँ से भी फोर्टीन को कॉमन निकाल सकते हैं, राइट? चलो फोर्टीन कॉमन ले लेते हैं, सो फिफ्टीन बाई टू से फोर्टीन कॉमन ले लिया पहले, तो यहाँ पे वन बचा, यहाँ पे बचा फोर, 14 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 4, सो
इसको और सॉल्व करो, ये 14 कटा तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 7 14, और ये 4 प्लस 1 5। ठीक है, अभी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75 75 इंटू 7 75 इंटू 7 करो कितना, 35 35 3 49 5 2 5। तो हमारा था ये S15। ओके, नाउ हम अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत फेवरेट रहते हैं। सो 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, क्या है 15 मल्टीपल्स ऑफ 8? ठीक है, तो जो भी 8 का मल्टीपल या मल्टीप्लीकेशन टेबल बोल सकते हो, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, तो 8 1 8 है ना, 8 2 16। तो ये जो तुम्हारा मल्टीपल टेबल में आता है उसी को हम मल्टीपल्स बोलते हैं। 1 के साथ मल्टीपल हुआ तो कितना आया, 2 के साथ मल्टीपल हुआ तो कितना आया, तो लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 8। सो लेट मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या क्या है, फर्स्ट वन इज योर 8 ही है, देन 16, देन 3 24, देन ऐसे करते करते हमारा मल्टीपल बनेगा। राइट, नाउ एस 15 निकालना है तो उसके लिए हमको ए पता है 8, डी इज योर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ऑफ कोर्स 8 8 के डिफरेंस पे बढ़ रहा है, सो डायरेक्टली डी क्या आ जाएगा मेरा 8। ठीक है, एन कितने टर्म्स का मेरे को निकालना है, 15 टर्म्स का, और फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, फर्स्ट 15 टर्म्स। एस 15 निकालेंगे हम, सो एस 15 इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है एस एन का, एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो एस 15 इज 15 बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1, मीन्स 15 माइनस 1 14 डी, वॉट इज डी हियर 8। ठीक है, तो 15 बाई 2, 8 को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, कॉमन निकाला यहाँ से 8 को, और यहाँ से कॉमन निकाला तो बच गया यहाँ पे 14। ठीक है, सो 15 बाई ये 2 से हम काट सकते, 2 4 8, 15 इंटू 4, और दिस वन 14 प्लस 2 इज 16। सो मल्टीप्लाई करो, 15 4 16 16 इंटू 16 करो। ठीक है, 0 6 36 3 7 6 9 9 60। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो है तुम अपने होमवर्क में कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।